हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम कामिनी वोंडे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट ईवीएस वन लेसन नंबर 9 एयर। देखो बच्चों, हमने इसके पार्ट वन के वीडियो में कुछ टॉपिक्स देखे थे। अभी पार्ट टू के वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एटमॉस्फियर, मतलब वातावरण। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज राउंड इन शेप लाइक अ बॉल। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका आकार ऐसा है, तो एक गोंद जैसा गोलाकार, सॉरी एक गेंद जैसा गोलाकार है। ओके, बॉल मतलब क्या? गेंद। देयर इज एयर ऑल अराउंड द अर्थ, और इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है? हवा है। पृथ्वी के ऊपर चारों ओर हवा है। इफ वी गो हायर अबोव द अर्थ वी फाइंड दैट देयर इज एयर टिल अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर। देखो, हम पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले हवा के आवरण को ही क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। हम पृथ्वी से जैसे जैसे दूर जाते हैं, वैसे वैसे वातावरण की हवा की परतें विरल होती जाती है, और अंत में पृथ्वी के पृष्ठभाग के समीप वाली हवा की परतें सर्वाधिक सघन होती है। दिस कवरिंग ऑफ एयर अराउंड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर। ओके, एज वी गो फर्दर फ्रॉम द अर्थ द लेयर ऑफ एयर बिकम थिनर। अभी बताया मैंने कि हम पृथ्वी से जैसे जैसे दूर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? वातावरण की हवा जो होती है वो विरल होती है। ओके, दैट इज द लेयर ऑफ एयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वाइल द वंस एट हायर लेवल आर नॉट सो क्लोज। द एयर एट ग्रेटर हाइट्स इन रेयर। मतलब इसका अंतः क्या होता है? पृथ्वी के पृष्ठभाग के समीप वाली हवा की परतें सर्वाधिक सघन होती है, और इसकी अपेक्षा ऊपर की परतें क्रमशः विरल हो जाती है, और ऊंचाई पर स्थित हवा विरल होती है। आया समझ में? ट्राई दिस। अभी ये करके देखना है आपको, एक एक्सपेरिमेंट है। टेक अ स्लाइटली डीप डिश लाइक अ सॉसर, मीन्स थोड़ी गहरी कांच की एक तश्तरी आपको लेनी है। स्टैंड अ कैंडल एट इट्स सेंटर, मतलब उसमें एक मोमबत्ती कैंडल आपको खड़ी करनी है। फिल वाटर इन द डिश, और डिश में क्या करना है? डिश मीन्स क्या? तश्तरी, हिंदी में तश्तरी बोलते हैं उसे। डिश में आपको पानी भरना है। लाइट अ कैंडल, और कैंडल को जलानी है। ओके, देन नाउ प्लेस अ ग्लास टम्बलर ओवर द कैंडल। मतलब अभी मोमबत्ती को जलानी है, और अब मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उलट कर रखना है। ओके, व्हाट डू यू सी, क्या दिखाई देगा? सून द कैंडल गोज आउट एंड द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द टम्बलर राइज अप टू अ सर्टन लेवल। थोड़ी ही देर में क्या होगा? मोमबत्ती बुझ जाती है, और गिलास के अंदर पानी का स्तर बढ़ने लगता है। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर हेल्प्स बर्निंग एज इट गेट्स यूज ऑफ
water rises in the tumbler. When that constituent is finished, the candle goes out, the water level to stop rising. देखो, हवा में एक ऐसा घटक है जो ज्वलन सहायक होता है. वह जैसे जैसे उपयोग में लाया जाता है, वैसे वैसे गिलास में पानी क्या होता है, ऊपर चढ़ता जाता है और हवा में वह घटक समाप्त होने पर मोमबत्ती बुझ जाती है. इसके बाद पानी का ऊपर चढ़ना बंद हो जाता है. आया समझ में? देन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर दैट हेल्प्स बर्निंग इज कॉल्ड ऑक्सीजन गैस. देखो, ज्वलन में सहायता करने वाले हवा के इस घटक को ऑक्सीजन गैस कहते हैं. द अर्थ एटमोस्फियर इज मेड ऑफ एयर. देखो, पृथ्वी का जो वातावरण है वो हवा द्वारा बना हुआ है. द सर्कल इन दिस पिक्चर शोज ऑल द एयर इन द एटमोस्फियर. और इस चित्र के वृत्त का अर्थ हवा है. इफ वी डिवाइड द सर्कल इंटू 5 इक्वल पार्ट्स देन द ऑक्सीजन इन द एयर विल बी इक्वल टू वन ऑफ द पार्ट्स. इस उस वृत्त के 5 समान भाग किए गए हैं और इनमें से एक भाग के बराबर हवा में ऑक्सीजन गैस होती है. हवा में ऑक्सीजन गैस के अतिरिक्त अन्य गैस भी होते हैं. वे गैस कौन सी है? अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन देर आर अदर गैसेस इन द एटमोस्फियर. विच कुड दोज बी? द ऑक्सीजन इन द एयर इज यूज बोथ फॉर बर्निंग एज वेल एज रेस्पिरेशन. मतलब श्वसन तथा ज्वलन के लिए हवा की ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है. विच आर द अदर यूजेस ऑफ एयर यू नो अबाउट? श्वसन और ज्वलन के अतिरिक्त हवा के अन्य कौन से उपयोग है? बताएं आपको. You have learned that the gas that fizzes out of soda water is carbon dioxide. This gas is present in small quantities in air too. You have also learned that plants make their food using air and water in the presence of sunlight. When plants make their food, they use the carbon dioxide from air. देखो, तुम्हें पता है क्या कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें से बाहर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. देखा होगा आपने कि सोडा वाटर की बोतल अगर हम खोलते हैं तो उसमें से एक गैस बाहर निकलता है. वो कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. हवा में भी यह गैस थोड़ी मात्रा में होता है और तुम सीख चुके हो कि वनस्पतियाँ सूर्य के प्रकाश में हवा और पानी द्वारा क्या बनाती है? अपना भोजन तैयार करती है. और भोजन तैयार करते समय ये वनस्पतियाँ इसी गैस का उपयोग करती है. कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, यू हैव सीन दैट व्हेन यू प्लेस आइस इन अ ग्लास and it becomes very droplets of water settle on its outside. It means that water to the present in air in the form of a gas. मतलब गिलास में बर्फ डालने के बाद गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें
जमा होती है, इसका अर्थ हवा में गैसीय रूप में पानी भी होता है। ओके, हाउएवर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एयर इज मेड अप ऑफ स्टिल अनदर काइंड ऑफ गैस, दिस गैस इज कॉल्ड नाइट्रोजन। अभी हवा का सबसे बड़ा एक घटक है जो घटकों से अलग गैस का घटक है, जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन है। ओके, दस देयर आर सेवरल गैसेस प्रेजेंट इन एयर, इन अदर वर्ड्स एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। हवा में ऐसी कोई गैसें होती है, अंततः हवा कई गैसों का मिश्रण होता है। नाउ इफ यू ड्रॉ अ सर्कल टू रिप्रेजेंट एयर देन द क्वांटिटी ऑफ ईच गैस द मिक्सचर विल बी एज शोन अलोंग साइड। अब यदि हम एक वृत्त की सहायता से हवा को दर्शाए तो उसमें समाविष्ट गैसों की मात्रा यहाँ चित्र में दिखाए अनुसार दिखाई देगी। देखो यहाँ पे ये पिक्चर आपको दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? और लास्ट पॉइंट है, डू यू नो द बर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, स्टोर्स इन किचन्स एक्सेट्रा गिव्स आउट स्मोक, दिस स्मोक टू मिक्सेस विद द एयर अराउंड अस। मतलब कारखानों, क्या तुम जानते हो कि कारखानों, वाहनों, अंगीठियों और अन्य साधनों के ईंधनों के ज्वलन द्वारा धुआं निकलता है, यह धुआं भी हवा में मिश्रित होता है। और यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।